वहीं नीतीश कुमार को लेकर आरजेडी ने बड़ा आरोप लगाया है और उनके ऊपर कहीं ना कहीं तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। जिस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ था, जिस तरह से आरजेडी के नेताओं को लेकर, राबड़ी देवी को लेकर बयान दिए गए हैं, उसे लेकर कहीं ना कहीं आरजेडी काफी नाराज दिखाई दे रही है और जेडीयू को नीतीश कुमार को घेरती हुई नजर आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अविनाश जुड़े हुए हैं। लगता है अविनाश की आरजेडी का गुस्सा फूटता हुआ दिखाई दे रहा है और वो नीतीश कुमार पर सीधे सीधे तानाशाही का आरोप लगा रही है। क्या वजह बता रही है आरजेडी इसके पीछे? उदय, ये जो तानाशाही से विधान परिषद के जो सदस्य थे सुनील कुमार थे, उनको उनकी सदस्यता रद्द कर गई है। और देखिए, जिस उन्होंने के मुख्यमंत्री नीतीश तस्वीरें साझा करते थे नीतीश कुमार को, वो एक कहीं ना कहीं सांप भी बताते थे। और देखिए, जब सरकार में सहयोगी दल रहते हुए भी नीतीश कुमार पर हमला करते थे। और देखिए, आज आरजेडी ने आज पीसी की थी, और इस पीसी में आरजेडी के 3 MLC और मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव भी थे। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शक्ति यादव ने कहा कि जो बिहार सरकार है वो कहीं ना कहीं अब तानाशाही पर उतर गई है, सरकार को अहंकार हो गया है, और यही वजह है कि इस तरीके का निर्णय नीतीश कुमार लेते हैं। वही नीतीश कुमार जब सदन में इतने बड़े सीनियर लीडर जीतन राम मांझी को जब तुम तड़ाक कर देते हैं, महिला पर टिप्पणी करते हैं, और किस तरीके से सदन में जो भाषा का प्रयोग करते हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री, इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और कोई जब माननीय सदस्य का अगर मिमिक्रिक का बात सामने आता है, ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने मिमिक्रिक किया नहीं था, और जेडीयू को प्रमाण देना चाहिए, वीडियो जारी करना चाहिए। अब आरजेडी जो है सड़क से लेकर सदन तक इसको लेकर आवाज उठाएगी, और आरजेडी के जो मुख्य प्रवक्ता हैं शक्ति यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार खुद जीतनराम मांझी को लेकर तुम तड़ाक सदन में कर रहे थे, तब उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जब वो महिला पर, महिला विधायक को लेकर, महिला MLC को लेकर जब वो इस तरीके का भाषा का प्रयोग करते हैं, तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, उनके पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई नहीं होती है, और सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। सत्ता में है नीतीश कुमार, उनके सहयोगी दल, इस कारण से उनके पार्टी के विधायक और उनके मंत्री अगर कुछ बोलते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और जिस तरीके से सुनील सिंह की जो है सदस्यता छीनी गई है, जिसको लेकर काला, कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का हत्या हुआ है, काला दिवस के रूप में कल विधान परिषद में मनाया गया। और राबड़ी देवी भी ने कहा है कि हमारे साथ पहले तो 3-3 MLC थे, अब 13 MLC हैं, किसी को छोड़ेंगे नहीं, सबको नचा के रख देंगे आने वाले सत्र में। तो जिस तरीके से राबड़ी देवी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो हमलावर हैं, आज आरजेडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जेडीयू को चुनौती दी है कि आपको वीडियो दिखाइए जिसमें सुनील सिंह ने मिमिक्री किया है, और वीडियो दिखाइए तब हम लोग समझते हैं। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार पर हमलावर है, देखना होगा कि आने वाले समय में जिस तरीके से विपक्ष लगातार नीतीश कुमार, उनकी कानून व्यवस्था, उनके उनके राज्य में बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर सवाल कर रहे हैं, और अब जब किसी नेता का, किसी MLC का सदस्यता रद्द कर दी गई, उस पर विपक्ष काफी हमलावर उदय। अविनाश, ये सीधे सीधे कहा जा सकता है कि जिस तरह से सुनील सिंह प्रकरण हुआ है, उसके बाद आरजेडी सीधे अब आमने सामने की लड़ाई में उतर आई है। लगता है अब सड़क पर उतर कर विरोध भी दर्ज कराया जाएगा। तो फिलहाल अविनाश हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार में आप काफी आमने सामने की लड़ाई छिड़ती हुई दिखाई दे रही है आरजेडी और जेडीयू के बीच, क्योंकि जिस तरह से MLC की सदस्यता सुनील सिंह की खत्म की गई है, उसके बाद लालू परिवार ने कहीं ना कहीं इसे अपने स्वाभिमान पर चोट की तरह लिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि यह विरोध कितना रंग लाता है और इसका असर जनता पर कितना कुछ पड़ता है। तो बिहार की सियासत गर्मा गई है सुनील सिंह के MLC दर्जा खत्म किए जाने के बाद, और उसके बाद बिस्कोमान का से जुड़ा पद भी उनसे छीन लिया गया है, और इसके बाद आरजेडी और सुनील सिंह कहीं ना कहीं बौखलाए हुए दिखाई दे रहे हैं। आरजेडी ने उनके ऊपर तानाशाही का आरोप लगा दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जेडीयू क्या कुछ जवाब देती है और आरजेडी जिस विरोध का हवाला दे रही है उसका असर क्या कुछ होता है। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ,
इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहां है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी 10 माइल चौक रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।